तिरंगा क्या है? जब हम कभी भी आकाश में देखते हैं तो मन खुश हो जाता है। अगर गांव में जाकर आकाश को देखे जाए तो आकाश और भी खूबसूरत दिखाई देता है, क्योंकि शहर के मुकाबले वातावरण भी साफ होता है। अगर हम आकाश गौर से देखते हैं तो पता चलता है ना तो सभी तारों का प्रकाश एक जैसा होता है और ना ही रंग। हम जितने भी तारों को आसमान में देख सकते हैं वह आसमान में चारों ओर फैले हुए हैं। उनका फैलाव तारों से भरी नदी के समान प्रतीत होता है, इसलिए इन्हें आकाशगंगा कहा जाता है। यदि इसे विज्ञान की भाषा में समझा जाए, आकाशगंगा तारों का एक ऐसा समूह है जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं। हमारी आकाशगंगा में अरबों तारे हैं जो बिना दूरबीन के दिखाई नहीं देते हैं। इसके अलावा हमारी पृथ्वी, चंद्रमा के साथ साथ सौरमंडल, अन्य ग्रह भी शामिल हैं। पूरे ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों आकाशगंगाएं हैं। हमारी आकाशगंगा मलिकवे का फैलाव लगभग 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। इसमें 100 अरब से भी ज़्यादा तारे हैं। 20वीं सदी की शुरुआत तक घरेलू शास्त्रियों का मानना था सारा ब्रह्मांड हमारी आकाश में ही सीमित है, लेकिन सन 1924 घरेलू शास्त्रियों एडविन हवल ने यह साबित कर दिया कि पूरे ब्रह्मांड में करोड़ों की संख्या में आकाशगंगाएं हैं। उन्होंने यह भी बताया, ब्रह्मांड के आकाश गंगाएं स्थिर नहीं है, बल्कि वहां एक दूसरे से हटती जा रही हैं। जैसे जैसे उनकी दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उनकी गति भी बढ़ती जा रही है, तथा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। यह थी SM न्यूज रिपोर्ट।